सभी तीव्र पुरुषार्थी मास्टर ज्ञान सूर्य परमों की गुह्य गति के ज्ञाताओं को गॉडली मॉर्निंग। तेरी पालना का बाबा एहसान चुकाएं किस तरह। हम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान दूर देश से आकर हमारी पालना कर रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, पुचकार रहे हैं। बाबा हमें कितने स्वमान, कितनी हिम्मत देते हैं कि बच्चे दिल शिकस्त नहीं बनो, इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते रहो। विघ्नों का काम है आना और हमारा काम है आगे बढ़ते जाना। जो सगे बच्चे होंगे वो बाबा की इस बात को समझेंगे और पूरा पूरा बलि चढ़ेंगे, अपना श्वासोश्वास सफल करेंगे, क्योंकि अंत में तो सब कुछ खलास होना ही है। किसकी मौत कब आ जाएगी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। सुना है ना सबने? तो हम कहीं भी रहें, कुछ भी काम धंधा करें, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। आज अक्टूबर मास का अंतिम दिवस, तो लेते हैं बाप की ब्लेसिंग। मीठे बच्चे माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पढ़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती, इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पढ़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती, इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। अभी पिछले हफ्ते मुरली चली थी ना, ज्ञान स्वरूप बनना है, निरंतर योगी बनना है। बाबा ने बताया था कि जो माया के विघ्न हैं वो ज्ञान में नहीं पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास पूरी है, थ्योरी पूरी समझ में आ जाती है, लेकिन योग प्रैक्टिकल विज्ञान जो ये सब्जेक्ट है योग का, इसमें विघ्न आते हैं। और पढ़ाई की धारणा यदि नहीं होती है तो फिर बाबा कहते हैं हम स्वरूप नहीं बनते हैं, तो फिर क्या है, सेवा भी हो सकेगी नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि योग में रहने का पुरुषार्थ करो। जितना योग करेंगे उतनी शक्ति मिलेगी, धारणा स्वरूप बनेंगे, ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी। प्रश्न है आज का, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं। बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं। उत्तर, लौकिक में भी देखो बच्चे गिर जाते हैं तो माँ बाप कैसे प्यार से उठाते हैं ना, फिर कैसे पुचकारते हैं। तो उसी तरह से बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकार प्यार देता, हिम्मत दिलाता। हाँ, बाबा कहते हैं ना मीठे मीठे बच्चे, तो बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, माना सेवा कर सकते हो, सुना सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो, मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम फिर क्यों नहीं लेते। राहु का ग्रहण लगा है क्या, कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रहण लगा है? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा, ज्ञान और योग से ही ग्रहण उतरेगा। तो ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में
लग जाते हैं। बाबा इस तरह से पुचकारते हैं, प्यार देते हैं, हमको स्वमान की याद दिलाते हैं, हिम्मत देते हैं, तो बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। माना जो दिल शिकस्त होते हैं या जो धीमी गति से चल रहे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ग्रहण लगा हुआ है जिन पर, जो अलबेले हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि इस विधि से बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। गीत बजाओ। शांति। देखो, दूर देश का, परम धाम का रहने वाला हम बच्चों के लिए पतित पुरानी पराई दुनिया में आया है, लेकिन बाबा ने तो अपना सारा भेद हमको दे दिया ना, अपने बारे में बता दिया। तो भगवान उवाच दो ही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आते हैं। भगवान उवाच क्या कहते बच्चे, मन मना भाव। अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। आते ही कहते हैं मन मना भाव, मना अपना मन मेरे में लगा दो। अगर कहे श्री कृष्ण भगवान उवाच, तो श्री कृष्ण कहेंगे क्या कि मुझ परमात्मा को याद करो? यह तो झूठ हो गया ना। यहाँ परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं सालीग्रामों को कि मन मना भाव, मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि अब सबका मौत है। वैसे भी कोई मरने वाला होता है तो बोलते हैं ना भगवान को याद करो, तो अब तो सबका मौत है, तो शिव बाबा को याद करना है। गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो कृष्ण कहो, या चित्र सामने रख देते हैं राम का कृष्ण का हनुमान का गुरु आदि का, जो जिसको भी मानते हैं। तो यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है, सभी वानप्रस्थ अवस्था में हैं, सभी को वाणी से परे रहने के स्थान में जाना है। तो छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है, उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। वह है अहम आत्मा की दुनिया, मुझ आत्माओं की, हम आत्माओं की दुनिया है ना। यहाँ जब आते हैं तो आत्मा साकारी बनती है, वहाँ चोला नहीं है, यहाँ चोला धारण कर पाठ बजाती है। शरीर में आते हैं तो अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को वापस ले चलने आया हूँ, मैं कालों का काल हूँ। कालों का काल महाकाल, उज्जैन में है ना मंदिर महाकाल का। तो अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है, अकाल जिसको काल खा न सके। अब कालों का काल कहते हैं मैं तुमको वापस ले जाता हूँ, तुमको फिर पाठ बजाने आना है। सृष्टि के आदि में पहले किसका पाठ चला? जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो सबसे पहले किसका पाठ चला? क्योंकि यह सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सब नंबरवार आते हैं। पहले है देवता धर्म, अब वह धर्म प्रायः लोप है, उसका ज्ञान भी लोप है, तो शास्त्रों में कहाँ से आया? जब धर्म ही नहीं रहा और ज्ञान भी नहीं रहा, सत्य का पता ही नहीं, तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में फिर ज्ञान कहाँ से आया? ज्ञान है शास्त्रों में।
तो जिस सहज राजयोग से वह देवता बने वह भी गुम है। बाकी यह गीता आदि है भक्ति की सामग्री, क्योंकि यह ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है, फिर उसका शास्त्र सतयुग त्रेता में होता नहीं, तो द्वापर में कहाँ से आए? वहाँ कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि नहीं होती है, वहाँ फिर ड्रामानुसार वही भक्ति मार्ग की गीता आदि बनाते हैं। कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी तो उन्होंने बैठ या शास्त्र आदि बनाए। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार बनने ही थे। उस समय रियल चीज कहाँ से आए? जो चीज है ही नहीं तो वो कहाँ से पता चलेगी ना उनको भी, तो दूर दृष्टि थी और कुछ आत्मा में संस्कार थे, कुछ अपनी बुद्धि थी, उस हिसाब से बैठ के उन्होंने शास्त्र बनाए। कुछ टचिंग हुई, कुछ समझ आया, तो फिर उन्होंने शास्त्र बनाए। बाबा कहते हैं जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पाठ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे ना मोतीलाल, तो बाबा कहते हैं कि गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पाठ था। अब अगर उसका नाटक बनाए तो वह कहाँ से आए? वह ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाएंगे। जो आत्माएं होकर चली गई हैं तो उनका रोल किसी को देना है तो वो तो दूसरों को ही देंगे ना, तो रियल तो नहीं हुआ, आर्टिफिशियल हुआ। तो अब ब्रह्मा का स्थापना का पाठ चल रहा है। किस चीज की स्थापना? बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना सत्युग के लिए हो रही है, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बैठे हो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए या मुरली रिपीट करनी चाहिए या योग में बैठना चाहिए तो विकर्म विनाश हो। मुरली तो जो सम्मुख सुन रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करना है? ज्ञान का मनन चिंतन करना है। कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं चाहे फिर से टेप करो, टेप सुनो और फिर मुरली रिपीट करो, पढ़ो या फिर योग में बैठो, तो विकर्म विनाश होंगे। सारा दिन तो काम में रहते हो, वहाँ योग में मुश्किल रहते होंगे, अपनी अपनी जगह पे तो काम धंधे में फंसे हैं, तो बाबा कहते हैं वहाँ तो योग लगता नहीं है। इसमें माया विघ्न बहुत डालती है, माया ज्ञान से नहीं हटाती, योग से हटाती है। क्यों? क्योंकि योग से ही आत्मा में शक्ति भरती है ना, तो माया नहीं चाहती कि ये आत्माएं शक्तिशाली बने, क्योंकि माया चाहती है हम पर अधिकार जमाना, वो अधिकार बना रहे, हम उसके गुलाम रहें। और उसको पता है यदि हम योग लगा के शक्तिशाली बन जाएंगे तो उसको हम हरा देंगे, इसलिए माया क्या करती है? योग में विघ्न डालती है। संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देते, पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं। हाँ, अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा नहीं होगी। पढ़ तो लेते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन शक्ति नहीं है, यदि योग से शक्ति नहीं मिली तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, पढ़ाई की धारणा नहीं होगी, हम स्वरूप नहीं बनेंगे। ज्ञान से योग सहज भी है। बाबा कह रहे हैं ज्ञान से योग सहज भी है। हमारा अनुभव क्या कहता है? ज्ञान सहज है या योग सहज है? बाबा कहते हैं बूढ़ी माताएं जो कहती हैं हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं बैठती हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी माताएं नहीं हैं, ज्ञान का विस्तार ज़्यादा लगता है, तो बाबा कहते हैं कि बूढ़ी माताएं तो यही कहती हैं ना कि इतने सारे पॉइंट्स हम याद नहीं रख सकते हैं, तो बाबा कहते हैं अच्छा मेरी याद में रहो, चलो कुछ मत करो, सिर्फ बाबा को याद करो। बाप कहते हैं हे भक्तों, भगत तो सब हैं परंतु तुम सिकीलधे भगत हो, बिछड़े हुए भगत हो, जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। सब तो पूरी भक्ति नहीं करते, कल तक जो आते रहेंगे वह इतना समय ही भक्ति करेंगे। जिनका लास्ट में पार्ट है तो वो तो थोड़ी ही भक्ति करेंगे ना,
परंतु तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो, वह भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है। जो बच्चे बनते हैं श्रीमत पर चलते हैं। बाबा तो पहचानते हैं ना सबको, समझते हैं यह हमारे कुल के हैं। जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, तो वह हैं सगे बच्चे। सगे बैठे हैं यहाँ पर सभी, सभी सगे मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, वह हैं सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते, माना संपूर्ण समर्पण, तन मन धन समय श्वास संकल्प मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति संबंध संपर्क सब कुछ, स्वप्न भी है। तो बाबा कहते हैं सगे बच्चे बलि चढ़ते, लगे बलि नहीं चढ़ते। जो हम कहते हैं ना मातेले और सौतेले, तो वही बात कर रहे हैं बाबा। सगे बच्चे बलि चढ़ते, लगे बलि नहीं चढ़ते। इसमें डरना नहीं है। हाँ, बलि चढ़ने में डर लगता है क्या? भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो, खुद भी बलि चढ़े, बकरे की भी बलि चढ़ाई, कुछ ना कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हो, यह भी बलि चढ़ना हुआ ना। कुछ भी करना भक्ति मार्ग में भगवान के नाम पर, तो बाबा कहते हैं यही तो बलि चढ़ना हुआ ना। फिर कहते हो परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम अब जानते हो कि यह भी बाप भक्ति का रिटर्न अल्प काल के लिए देते आए हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम भक्ति में जो करते आए हो वह सतयुग में होता नहीं। न कोई गरीब होता जिसको दान करें, न कोई शास्त्र होते, न मंदिर होते। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो सतयुग में होती नहीं। यह ज्ञान भी प्रायः लोप हो जाता है। वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी प्रारब्ध मिले। प्रारब्ध है वो, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ हम कब कर रहे हैं? अभी। वहाँ पे कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा तो उसकी कोई प्रारब्ध ही नहीं। सारी प्रारब्ध इस समय के पुरुषार्थ की है। इस्लामी बौद्धियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है, तो उनको सब पता रहता है। परंतु तुम्हारे पीछे विनाश होता है तो इसमें सब खलास हो जाता है। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है तो बाबा कहते हैं विनाश होता है साथ ही साथ, तो उसमें सब खलास हो जाता है। फिर द्वापर में वही वेद शास्त्र आदि निकलेंगे। यह सब गीता के बाल बच्चे हैं। उन सबको धर्मशास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र उसे कहा जाता है जिससे धर्म की स्थापना हो। जैसे क्राइस्ट के महावाक्यों को कहते हैं यह मैसेंजर के महावाक्य हैं। क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनको गॉड का सन बच्चा समझते हैं। कहते हैं ना आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। तो कहते हैं गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए भेजा, तो उनको अपने धर्म की पालना भी करनी है। तो जो धर्म स्थापक होते हैं वो अपने ही धर्मों में पुनर्जन्म लेते रहते हैं, जितने भी धर्म स्थापक हैं, क्योंकि उन्होंने स्थापना की है तो उनको पालना भी करना है। और जो फॉलोअर्स होते हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, इधर उधर कहीं भी जन्म हो सकता है। सतो रजो तमो में आना ही है। यह ज्ञान उनको नहीं है कि वापस कोई नहीं जा सकते। सब अभी इधर ही हैं। जो कहते हैं ना कि मोक्ष गए निर्वाण गए, बाबा कहते हैं कि सब अभी यही हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है कि वापस अभी कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो द्वार ही नहीं खुले हैं ना, तो वापस कैसे जाएंगे? रास्ता ही नहीं पता है कि जाना कहाँ है, तो मंजिल का पता ही नहीं है, ठिकाने का पता ही नहीं है, तो कैसे जाएंगे? अच्छा, बाबा समझाते थे कि उन्होंने गीता भल बनाई है, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको झूठा बना दिया है। सच तो आटे में नमक मिसल है कि
क्योंकि पीछे बैठ बनाए हैं। सतयुग त्रेता में किसको ज्ञान है नहीं, वह थोड़े ही समझते हैं। सतयुग के इतने सोने हीरे के महल कहाँ चले गए, कहाँ गए, क्यों गए? कहते हैं द्वारिका नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में नहीं जाती। अर्थक्वेक आदि में सब खलास हो जाते हैं। कोई द्वारका समुद्र के नीचे नहीं चली जाएगी और फिर निकल के नहीं आ जाएगी। अर्थक्वेक में खलास हो गए माना खत्म हो जाते हैं, फिर स्वर्ग का नाम निशान नहीं रहता। प्रलब्ध भोग कर खलास कर दी तो उनका नाम निशान नहीं रहता, न हिस्ट्री रहती। इसलिए हमारे पास जो इतिहास है वो मैक्सिमम 2500 साल का है ना, 2500 साल का। तो बाबा कहते हैं कि प्रलब्ध जब आपने भोग ली और तो उसका नामो निशान नहीं रहता, वो सब खलास हो जाता है। इसीलिए तो कोई विश्वास नहीं करता है ना। जैसे मंदिर बनते हैं तो उनकी हिस्ट्री है, पूजा कब से शुरू हुई, मोहम्मद गजनबी कब आया, तो सब है ना इतिहास में। कैसे भारत का धन लूटा, यह सब ज्ञान है बुद्धि के लिए भोजन। परंतु योग ठीक नहीं होगा तो सुनने समय खुश होगा परंतु ठहरेगा नहीं, पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं। पवित्रता जो क्या है, फाउंडेशन है ना, तो आधार ही नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, नींव नहीं है, तो फिर टिकेगा कैसे, ठहरेगा कैसे? बाबा कहते इसमें किसका वश नहीं, यह शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये मनुष्यों के द्वारा लिखा या दिया हुआ ज्ञान नहीं है, वह तो सभी कंठ कर लेते हैं। यह तो पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए, वहाँ भल बाप के तख्त पर बैठेंगे परंतु वह भी यहाँ की कमाई की प्रलब्ध है। आपने यहाँ जितना कमाया होगा उतना ही वहाँ मिलेगा। तो बाबा कहते हैं वहाँ भल बाप के तख्त पर बैठेंगे परंतु वह भी यहाँ की कमाई की प्रलब्ध है। देवताएं एक दो को वर्षा नहीं देते, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। वहाँ देवता कहलाते हैं लेकिन देना किसको है, सभी भरपूर है ना। जो वहाँ पाएगा वो अपने यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार पाएगा, तो कोई किसी को वहाँ देता नहीं है। लेकिन हाँ दैवी गुण है इसलिए देवताएं कहलाते हैं। मौत सामने खड़ा है, तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। वह सन्यासी के नाम मात्र फॉलोअर्स बनते हैं, जो सन्यासियों को फॉलो करते हैं तो बाबा कहते हैं वो नाम मात्र के लिए फॉलोअर्स बनते हैं। वहाँ गॉड गॉडेस का राज्य है, यहाँ राजा रानी भगवती भगवान तथा प्रजा, इसके लिए फादर पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं आशीर्वाद करेंगे, कोई ऐसे कृपा आशीर्वाद की बात नहीं है, जादू की बात नहीं है। हाँ बाबा कहते हैं मैं पढ़ाता हूँ लेकिन पढ़ाई तो आपको करना है ना, बाबा का आना और हमें ज्ञान देना यही उनकी कृपा है, आशीर्वाद है, उनका पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। हाँ जो बाबा पढ़ा रहे हैं यही हमारे लिए वरदान है। कितने लोग को मिल रहा है ये वरदान, कितने लोग इसकी वैल्यू समझ रहे हैं, तो है ना कोटों में कोई। टीचर को कहेंगे क्या आशीर्वाद करो तो 100 मार्क्स मिल जाएं? बाबा तो पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई सबके लिए है, क्रिश्चियन हो बौद्धी हो। कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो यह सब देह के धर्म है ना, देह के धर्म को छोड़कर मेरे पास आओ, माना देह, देह के संबंधी पदार्थ स्वभाव संस्कार ये सब को त्याग करके मुझ परमात्मा की शरण में आओ, हे आत्माओं, है ना। तो कहते हैं इन सब को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा तो सभी इमॉर्टल है, अजर अमर अविनाशी है, एक बाप के बच्चे हैं ना, इसलिए कहते हैं जो देह के धर्म हैं मामा काका छोड़ अपने को अकेला आत्मा निश्चय करो, माना जो देह के संबंधी हैं उनको छोड़ो और अपने को अकेला आत्मा निश्चय करो,
और मेरे को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं। पापों को दग्ध करने का और कोई रास्ता नहीं है, इसको योग अग्नि कहते हैं। इस योग अग्नि में अपने विकारों को भस्म करना है, विकर्मों को भस्म करना है। आत्मा समझ परमात्मा की याद में बैठ जाओ। प्रचंड योग अग्नि, ज्वालामुखी योग, तब होंगे पाप दग्ध। बाबा के पत्रों में तो चिटचैट होती है जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे, कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो। देखो कितनी रमणीकता करते थे ना बाबा, घुमाने भी ले जाते थे, खेलते भी थे, बच्चों से हंसी ठिठोली भी करते थे, तो सब करते थे। कितनी अच्छी पालना दी बाबा ने। तो बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञान गंगा बन सकती हो, बहुत अच्छी हो, उमंग दिलाते हैं, हंसाते हैं। क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो? तुम तो महारानी बनने वाली हो, गिरने वाले को भी उठाएंगे। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ कि बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है, समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं। मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम्हारे को क्या हुआ है? राहु का ग्रहण लगा हुआ है, योग में रहो, मुरली सुनो, ऐसे पत्र लिखने पड़ते हैं। जिसकी जो भी समस्या रहती थी बाबा उस हिसाब से समाधान बताते, युक्ति बताते कि ऐसे ऐसे करो। और मुख्य युक्ति क्या है जो सबके लिए है? मुरली पढ़ो और सुनो और योग में रहो, ज्ञान का मनन चिंतन और योग। तो ऐसे पत्र लिखने पड़ते हैं। बहुत प्रकार के पत्र आते हैं, कोई की कोई साथ दिल लग जाती है तो आपस में प्लान बनाते हैं, अच्छा हम आपस में गंधर्वी विवाह करेंगे। हाँ, कोई अच्छा लगने लग गया, ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में अच्छे लगने लग गए तो प्लान करके आपसी समझ से कहते हैं चलो गंधर्वी विवाह कर लेते हैं, लेकिन पवित्र रहेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ। नहीं, जो आपस में ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, मान लो किसी का घर से प्रेशर है तो वो एक दूसरे को बचाने के लिए ऐसे मदद करते हैं कि मैं तुमको बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ। तो बाबा कहे तुम कैसे बचा सकते हो? तुम कैसे बचा सकते हो? पहले तुम माया से बचे हो, अंदर क्या है मन में पहले वो तो पहचानो खुद को। उसको बचाने के पीछे आपके मन में क्या भाव है वो बाबा को तो पता है ना। तो बाबा कहते हैं पहले तुम माया से बचे हो, बाबा से राय ली है, श्रीमत ली नहीं है, और आपस में सगाई की बातें करते हो, अपने आप ही प्लान कर रहे हो, तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। बाबा कह रहे हैं तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। मुर्दे क्यों बोला बाबा ने? क्योंकि बाबा को पता है ना, यदि आपसी समझ से विवाह कर भी लिया तो फिर कई बार क्या होता है, विकारों में चले जाते हैं। बाबा सबकी जन्मपत्री जानते हैं। तो बाबा कहते हैं मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। मुर्दे माना मरी हुई बुद्धि है ना, तभी तो ऐसी सोच रहे हैं, बाबा से राय ही नहीं ली है, अपने आप ही डिसीजन ले रहे हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं मुर्दे, है ना, बुद्धि मरी हुई है तभी इस तरह के ख्याल चलते हैं मन में। तो सूक्ष्म में दिल लग जाती है तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। चेक करना है हमें कि किसी से विशेष लगाव ना हो, विशेष आकर्षण ना हो, कोई भाई या कोई बहन वो दूसरे से ज़्यादा अच्छा ना लगता हो। तो ये बहुत सूक्ष्म है, चेकिंग करनी है अपनी। बाबा समझ जाते हैं यह रसातल में जा रहा है, माना गर्त में जा रहा है। रसातल कहते हैं जमीन से भी नीचे, है ना, सबसे नीचे, तो अधोगति में जा रहा है, नीचे जा रहा है, रसातल में जा रहा है। तो सगाई तो माता पिता करते हैं,
तुम मुठ्ठे आपस में ही सगाई कर रहे हो गुपचुप में। हाँ बाबा कह रहे हैं कि सगाई तो बड़े लोग करते हैं ना माता पिता, और तुम मुठ्ठे मना आपस में ही सगाई कर रहे हो बिना बात किए हुए। सिंधी में कहते हैं मुठ्ठे, मना बुद्धू, कि तुम बड़े बुद्धू हो आपस में ही सगाई कर रहे हो गुपचुप में, छुपा के बिना किसी से बताए, अंदर ही अंदर प्लानिंग करके। तो तुमको पता नहीं कि ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं, तुमको क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। हाँ कैसे विघ्न आएंगे, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, माना शिव बाबा जाने, और वो जिसमें आते हैं जिनके तन में आते हैं माना ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा उनको दोनों को पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए बाबा राय देते हैं कि बिना पूछे कोई भी काम नहीं करना है। गुड़ माना शिव बाबा, और गोथरी कहते हैं माना पोटली जिसमें गुड़ रहता है। तो शिव बाबा ब्रह्मा के तन में रहते हैं, तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं, बाबा मैं मातेला हूँ व सौतेला हूँ। हमको खुद को भी तो पता है ना कि हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हम मातेले हैं या सौतेले हैं। तो अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, शरीर पर किसका भरोसा नहीं है। स्टीमर डूब जाता है, एरोप्लेन गिर जाता है, तो क्या गति होती है। मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए आज का काम कल पर नहीं रखना है। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि जो करना है अभी करो, तुरंत, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। तो आज का काम कल पर नहीं रखना है, जो करना है तुरंत कर लो। और हम क्या करते हैं कि अभी तो बरसों जीना है, हाँ तो काम को परसों पर टालते रहते हैं। कल की अव्यक्त मूल्य थी ना कि फाइनल कब आ जाएगा, अंत समय कब आ जाएगा, विनाश कब आ जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं आज का काम कल पर नहीं रखना है, नहीं तो धर्म राजपुरी में साक्षात्कार होगा। देखो कल कल करते काल खा गया, कल करेंगे कल करेंगे गे गे, और फिर कल कल करते काल खा गया। श्रीमत पर न चले तो राज्य पद गंवा लिया, थोड़ा भी सुनने वाला हो तो स्वर्ग में आ जाएगा। फिर जो जितनी स्थापना में मदद करेंगे तो उतना पद पाएंगे, जैसे गांधी जी को मदद की, कितने जेल में गए, गांधी जी को भी मदद की, देखो कितने के कितने जो स्वतंत्रता सेनानी थे सब जेल गए, कितने मरे, रिटर्न में क्या मिला। कोई साहूकार कांग्रेसी के पास जाकर जन्म लिया होगा। अब समय बाकी कितना थोड़ा है, अब जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में मदद की, अच्छा काम किया, तो कोई साहूकार घर में उनका जन्म होगा। तो बाबा कहते हैं अब समय बाकी कितना थोड़ा है, फिर क्या सुख मिला, ज्ञान सुनकर जाते तो व्यर्थ नहीं जाएगा, यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता है। यह तो उन्होंने तंग किया विकारों के लिए, तब लाचारी में उनको छोड़ना पड़ा। जो कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी इस घर छोड़ा देते हैं, हाँ इसलिए कोई आने नहीं देना चाहता है अपने घर की बहू बेटियों को। तो बाबा कहते हैं कि जब उन्होंने तंग किया घर वालों ने विकारों के लिए, तब जो है वो छोटी छोटी बच्चियों ने या फिर माताओं बहनों ने घर छोड़ा, क्योंकि एकदम मजबूर कर दिया था, इतना अत्याचार करते थे, मारते थे। तो बाबा यही कहते हैं कि यहाँ पे जो कुछ किया वो अल्पकाल के लिए मिलता है उसका फल, लेकिन कोई ज्ञान सुनेगा तो वो स्वर्ग में जरूर जाएगा ना, उसका ज्ञान सुना हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पे छुड़ाया नहीं जाता, बाबा कभी किसी को नहीं कहते ये छोड़ो वो छोड़ो, बाबा तो ज्ञान देते हैं, अब अपना समझो और निश्चय हुआ तो निश्चित करो कि क्या करना है। तो बाबा कहते हैं कि उन्होंने तंग किया विकारों के लिए, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया लाचारी हालत में, नहीं तो क्या करें, तो बाप को शरण देनी पड़े। हाँ रात रात को भी भाग कर आ गए तो बाबा कैसे नहीं रखते हैं ना, फिर भी बाबा कहते हैं कि दूसरे दिन सुबह बाबा बोलते थे समझा के कि जाओ और फिर इजाजत लेके आओ, पत्र लेकर आओ, ऐसे नहीं।
तो बाबा कहते हैं बाप को तो शरण देनी पड़ी, ऐसे तो अब तक भी शरण लेते रहते हैं, इसमें भगाने की तो बात ही नहीं। कितने तो फिर अपने मन से समर्पित होते हैं, तो बाबा ने थोड़ी भगाया है। यह तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी, हैं तो बच्चे परंतु उन्होंने नाम गौशाला डाला है। तो यज्ञ की शुरुआत तो होनी थी ना, गौशाला बननी थी। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा अनुसार सब होने ही था, उनका पाठ ही ऐसा है उन आत्माओं का। तो उन्होंने भक्ति मार्ग में गौशाला नाम डाल दिया है। कहते हैं कृष्ण ने नदी पार की तो गौओं ने भी पार की होगी, अब कृष्ण गए तो सब गायें उनके साथ गई होंगी। है सारी बात इस समय की, बाबा भी हैदराबाद सिंध से कराची आए, कराची से फिर देखो मधुबन आए, तो फिर सब आए ना साथ में बाबा के, तो ये सब इस समय की बात है। इन सब बातों से पहले ज्ञान लो और बाप से वर्षा लो। चलो इन सब बातों में ज़्यादा नहीं जाना है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान लो, मुख्य क्या ज्ञान है कि खुद को आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करो, और वर्षा लो अपनी प्रारब्ध बनाओ, भल धंधा करो, साथ साथ यह सेकंड कोर्स उठाओ। कई लोग करते हैं ना अभी लौकिक जॉब भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, तो बाबा भी कहते हैं घर गृहस्थी धंधा धोरी सब करो, लेकिन साथ साथ ये पढ़ाई भी करनी है। विलायत में रहते भी मुरली जरूर पढ़ो, अब तो खैर सब जगह अवेलेबल है, हाथ में ही है मुरली, मोबाइल में ही है मुरली, तो चाहो तो पढ़ सकते हैं और नहीं चाहो तो बहाने बहुत हैं, तो ये तो अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। दूसरा, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है, पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। वरदान है, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मनाभाव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मनाभाव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। बाप दादा कहते हैं जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मन मनाभाव हो जाता है। सच्ची प्रतिज्ञा है तो योग जरूर लगेगा, और यह मन मनाभाव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है, और जब योग लग गया, शक्ति मिल गई, तो कोई भी परिस्थिति हो हम आसानी से पार कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास मन मनाभाव के मंत्र का यंत्र है, मना साधन है, हथियार है। लेकिन मन में आए कि मुझे यह करना ही है, तो ये दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे ये करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है, इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। क्यों हमें सफलता मिलेगी? क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये काम हुआ ही पड़ा है, तो सिर्फ प्रतिज्ञा की और दृढ़ता की जरूरत है, तो शक्तिशाली बन ही जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है, जो हमने सोचा हमारे संकल्प पावरफुल हैं या फिर जो परीक्षा पेपर आ रहे हैं वो पावरफुल है, कौन ज़्यादा पावरफुल है? परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर न कर दे। आप हो मास्टर सर्वशक्तिवान, है ना, ये परीक्षा पेपर परिस्थिति माया रावण क्या है आपके सामने? कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे सदा शक्तिशाली बनो। स्लोगन है, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि बाबा ने हमें बता दिया है कि हम कौन हैं, तो अब इंसान कुछ भी बोले हमें उस पर ध्यान नहीं देना है,
अपने स्वमान में रहना है। आप भगवान की सुनोगे या इंसान की सुनोगे, तो सदा स्वमान में रहना है। तो अब सुनते हैं मुरली सार। गिरे हुए बच्चों की बाप करते हैं महिमा, देते प्यार और पुचकार। बुद्धिवान साधु महात्माओं ने बनाए शास्त्र ड्रामा के अनुसार। सगे बच्चे चढ़ते हैं बलि, लगे बच्चों को मिलेगी बहुत मार। बाप से ब्लेसिंग पाने का रूहानी पढ़ाई है एकमात्र आधार। ओम शांति।